हमारे देश में कम पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त नहीं की। अक्सर ये वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जिसके चलते वो अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते और अपनी जिंदगी चलाने के लिए कुछ छोटे मोटे काम कर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए हम इस वीडियो को कुछ बेहतरीन आइडियाज लेकर आए हैं, जिसे कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से शुरू कर मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। फ्रूट जूस बिजनेस क्या है? ताज़ा फल सब्जियों के सभी प्रकार का जूस अपनी दुकान में उपलब्ध कराना। जूस शॉप का बिजनेस ऐसा है जिसे बहुत ही कम लागत में आसानी से शुरू किया जा सकता है और 40,000 से 50,000 तक में जूस निकालने और जूस को ठंडा रखने की मशीन, बर्तन और उपकरण मिल जाते हैं। जूस शॉप के बिजनेस से कमाई कितनी होगी, हम आपको मोटा मोटा बता दें कि एक ठेले वाला जूस के बिजनेस से आप 18,000 से 25,000 रुपए के बीच में कमा सकते हैं और अगर आपके जूस की शॉप है तो महीने का 50,000 से भी ज्यादा कमा सकते हैं। शॉप को शुरू करने से पहले FSSI लाइसेंस टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद नगरपालिका, महानगरपालिका परिषद इत्यादि से भी व्यापार लाइसेंस लेना जरूरी है, तभी जाकर शॉप को शुरू किया जा सकता है। फ्रूट जूस बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स बिजनेस, ये बिजनेस एक ऐसा जरिया है जिससे ट्रैवलिंग और कहीं घूमने फिरने की सारी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे रेल टिकट, बस टिकट, कार रेंट, होटल बुकिंग आदि। ट्रैवलिंग बिजनेस को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसलिए पहले जगह चुनें। चाहे तो घर से भी शुरू कर सकते हैं, पर मार्केट में करना ज्यादा बेहतर है। चुनाव करें कि आपका बिजनेस किस टाइप का होगा और फिर उससे रजिस्टर करवाएं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, LLPOPC या LLCI, पैन और GST के लिए अप्लाई करें। ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में आपको इनकम गर्मियों एवं सर्दियों की छुट्टी के समय में अच्छी होती है, क्योंकि उसमें काफी लोग घूमने जाते हैं। पानी पूरी का व्यवसाय, पानी पूरी इस देश के लगभग सभी लोग खाना पसंद करते हैं, अतः इसका व्यापार यहाँ पर गली गली में होता है। इस व्यापार में तेल की कीमत, सूजी की कीमत, बिजली खपत आदि सभी चीजों को जोड़कर कुल 2500 रुपए की लागत आती है। प्रतिदिन 8 घंटे का कार्य करके लगभग 6000 से 8000 रुपए आप कमा सकते हैं। पानी पूरी के बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें। पंचर और हवा भरने का बिजनेस, इस बिजनेस से आप छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियों के टायर ट्यूब बना सकते हैं। इस बिजनेस में 40,000 से 50,000 तक के निवेश की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए केवल एक बार इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस से आप 12,000 से 15,000 प्रति महीने तक कमा सकते हैं। पंचर और हवा के बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, सारी जानकारी पाएं। टेलर या दर्जी का बिजनेस, टेलर या दर्जी को कौन नहीं जानता, हर गली मोहल्ले में इन्हें देखा जा सकता है। टेलरिंग बिजनेस को कपड़े सिलाने का काम भी कह सकते हैं। इस बिजनेस को घर से या किसी दुकान से शुरू किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये करीब 30,000 से 40,000 रुपए के बीच पड़ेगा। मुनाफा आपके काम पर निर्भर करता है। यदि आप दिन के 5 कपड़े भी सिलते हैं तो ये 1500 रुपए तक का तो हो ही जाता है। टेलरिंग बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। डेयरी फार्मिंग बिजनेस, डेयरी फार्मिंग का संबंध है दूध और उससे जुड़े प्रोडक्ट उत्पादन करने से। इसमें आपको मुख्य रूप से डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट जो दूध से जुड़े होते हैं, मार्केट में बेचने हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लगाने में कुल 1.5 लाख रुपया खर्च आता है। हर दिन के 4,000 कमा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मुनाफा है। डेयरी फार्मिंग बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, सारी जानकारी हासिल करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए आप कमेंट हमें जरूर करें। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।